नमस्कार, तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बेस्ट EMUI थीम्स, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर बेस्ट थीम्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो EMUI के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मैंने पास्ट में भी आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पर मैं एक और आपके लिए थीम लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पे रेड कलर का ये है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो वगैरह आप देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक और दूसरा थीम है वन प्लस सेवन वाला, अगर आपको थीम चाहिए अपने EMUI पे तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पर वो कुछ नया देखने को उनको यहाँ पर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी आपको जानकारी मैं दूंगा आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वही तीन चीज़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि EMUI से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये वाला जो थीम है ये बहुत ही कमाल का है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही क्लियर है। आइकन्स वगैरह यहाँ पे थोड़े फेडेड कलर्स में आपको दिखते हैं, और कलर यहाँ पे थोड़ा ग्रेइश टच दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर है, और बहुत ही अच्छे इसमें आइकन्स वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर दिखते हैं। चलिए हम अगर यहाँ नोटिफिकेशन पैनल की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन पैनल में भी यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर दिखता है, रेड और ब्लैक का यहाँ कॉम्बिनेशन जो कि मुझे बहुत बेहद पसंद आया। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ डायलर पैड की अगर हम देख लें तो डायलर पैड भी आपको यहाँ रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पर टेक्स्चर लगता है। और यहाँ पर बहुत ईजी टू रीड है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आपको बहुत ही यहाँ पर विजन बहुत ही क्लियर है। चलिए अब हम सेटिंग्स में भी जाके देख लेते हैं कि सेटिंग्स के अंदर हमें कैसा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। सेटिंग्स यहाँ पर आपको ब्लैक, डार्क ब्लैक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार, यहाँ पे अगर मैं किसी भी ऑप्शन के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे डार्क ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलिए यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी देख लेते हैं कि लॉक स्क्रीन पे एग्जैक्टली कैसा यहाँ पे दिखता है। लॉक स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसा दिखता है, ये एक पिच ब्लैक डार्क वाला यहाँ पर वॉलपेपर यूज़ किया गया है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो अंदर के जो फीचर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बदली गई है। तो ये रहा ये डीप रेड ब्लैक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये वाला थीम। तो इसका डाउनलोड लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। और दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे EMUI के डिवाइसेस में हम यहाँ पे थीम अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पास्ट में, तो उसका यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर जाकर के जान सकते हैं कि कैसे EMUI के डिवाइसेस या ऑनर या Huawei के फ़ोन में आप थीम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम अब दूसरी थीम की तरफ हम बढ़ते हैं और उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ थीम सेक्शन में हम जा करके, ये दूसरा वाला जो थीम है यहाँ पर, ये वन प्लस सेवन डार्क है, तो OP7 डार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे भी हम अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली इसका लुक एंड फील और डिज़ाइन कैसा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका वॉलपेपर बहुत ही कमाल का है, आपको सबसे पहले यहाँ पे फील आएगा कि वन प्लस वाला यहाँ पे फीलिंग आएगी कि वन प्लस जैसा यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जाता है। और सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आइकन्स वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे स्टॉक या फिर वन प्लस सेवन के डिवाइसेस में, जो वन प्लस के डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, वैसा आपको यहाँ पर आइकन्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार और क्लियर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लुक एंड फील बहुत ही शानदार है। नोटिफिकेशन पैनल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ब्लू, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर आपके फ़ोन को बहुत ही अच्छा एक लुक आपको मिल जाता है। थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। डायलर पैड की अगर बात करें तो डायलर पैड में यहाँ पर आपको ब्लू कलर के यहाँ पर नंबर पैड्स दिख जाता है, नंबर पैड्स। तो यहाँ पर ब्लू कलर और जो जियो और जो यहाँ पर सारे जो सेलुलर के एक्टिविटीज़ या फिर कॉन्टैक्ट्स कह रहे हैं वो वाइट कलर में है, तो कॉम्बिनेशन ये भी बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ इसे रीड करने में या फिर एक पढ़ने में, कहते हैं ना कि आप जब भी इसे यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत आइकन्स वगैरह मिसमैच हो जाते हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं है, बहुत ही शानदार है। सेटिंग्स में भी यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का दिखता है। तो स्पेशली ये दोनों जो थीम्स मैंने चूज़ किए थे, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर क्वेरी था, बहुत सारे लोग यहाँ पसंद करते हैं डीप ब्लैक, डार्क, पिच डार्क ऐसे थीम्स EMUI डिवाइसेस के लिए, ऑनर और Huawei डिवाइसेस के लिए। तो उसके हिसाब से मैंने ये दो थीम्स यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो ये रहा ये थीम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थीम बहुत ही शानदार है, बहुत ही कमाल का इसका लुक एंड फील यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये दोनों थीम्स कैसे लगे। दोनों के डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो ऐसे बने रहिए, प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।